नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं, वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। टाइम्स नाउ नव भारत के साथ इस वक्त आप हैं, मेरा नाम है अंकित त्यागी। श्रीलंका की जो हालत है उसको सारी दुनिया देख रही है, कुछ अचरज में। कुछ लोग पहले कह रहे हैं हमने बताया था ऐसा होगा, फिर भी लोग नहीं माने। क्या कभी सोचा था कि राष्ट्रपति के, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि राष्ट्रपति के घर के ऊपर ही उन्होंने हमला कर दिया, प्रधानमंत्री के घर के ऊपर ही हमला कर दिया। सबसे पहले श्रीलंका से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको उसी से लोकतंत्र की शुरुआत करते हुए आपको बताते हैं कि श्रीलंका में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई है। श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। श्रीलंका की मीडिया के हवाले से ये खबर बताई जा रही है कि राष्ट्रपति राजपक्षे श्रीलंका, राष्ट्रपति गोटाबाया श्रीलंका छोड़कर भाग चुके हैं। स्पीकर के संपर्क में राष्ट्रपति हैं ऐसा कहा जा रहा है। पूरे हालात में इस वक्त श्रीलंका, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई, दवाइयों की, खाने की, डीजल पेट्रोल की, हर चीज की कमी हो रखी है इस वक्त श्रीलंका में। और उसी के चक्कर में जो आप लगातार प्रदर्शन देख रहे हैं, जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। 20 तारीख को यहां पर फिर से चुनाव होने वाले हैं। सबसे पहले मेरे सहयोगी प्रियांक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रियांक के पास चलते हैं। श्रीलंका से, कोलंबो से लगातार एक एक पल की खबर लेकर टाइम्स ऑन अब भारत पर आ रहे हैं। प्रियांक, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, अराजकता की स्थिति बनी हुई है, कोई सरकार नहीं, कोई समझ में नहीं आ रहा कि कैसे श्रीलंका को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला जाए। राष्ट्रपति चुनाव होंगे, लोगों को उम्मीद है क्या, लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद, ऐसी बात करी होगी आपने लोगों से, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल अंकित, और जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी बनाई थी और उसके हिसाब से उन्होंने एक लिस्ट ऑफ डिमांड भी जो यहाँ के पार्लियामेंट है उसको भी सौंपा है। लेकिन उस बीच जो ये बड़ी खबर आ रही है उसकी डिटेल में अगर हम आपको बताएं, अपने दर्शकों को बताएं, तो जो यहाँ के राष्ट्रपति के चुनाव का जो अधिनियम है, सेक्शन 40 ऑफ 1981 एक्ट, उसके तहत किसी भी राष्ट्रपति को अगर वो अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो इस्तीफा देने के 3 दिन के भीतर उनको स्पीकर को बताना पड़ता है। और उसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि स्पीकर भी अभी लूप में है गोटाबाया राजपक्षा के, कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। उसी के आंकलन को लेकर के स्पीकर के कहना है कि अब आने वाले दिनों में हो सकता है 20 तारीख तक गोटाबाया के इस्तीफे के बाद से यहाँ पे चुनाव हो। लेकिन साथ ही मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा जब तक हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें। अब ये जो जानकारी निकल के आ रही अंकित, उसके मुताबिक अगले आगामी 20 तारीख को हो सकता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव हो। उससे पहले लोगों की जो बढ़ चढ़ के जो संख्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल मिले ऐसा माहौल है, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, लोग कई किलोमीटर चल करके अपने अपने घरों से निकल के आ रहे हैं और ये राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे हैं। और सुबह से हमने देखा कि कई हजार से करीब लाख लोगों का तांता जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। थक जाते हैं तो थोड़े थोड़े समय पे लोग यहाँ पे बैठ भी जा रहे हैं, गाड़ियां नहीं चल रही, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट जो होता है अंकित, वो काफी देखने को मिला कि वो इमारत, वो दफ्तर जहाँ से अब तक उनकी जिंदगी का निर्णय होता था, वो अब खाली है। इसी को लेकर के लोग वहां पे जाते हैं और काफी देर तक समय व्यतीत करते हैं। तो हो सकता है कि आने वाली 20 तारीख को राष्ट्रपति का चुनाव हो। और गोटाबाया के बारे में जो जानकारी मिल रही है, उन्होंने स्पीकर से संपर्क साधा है, उन्होंने बताया है कि मैं पास के ही आइलैंड में हूं। हमने जो अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे वो पीछे के रास्ते नेवी एरिया से होते हुए एक शिप लेके, नेवल शिप लेके यहाँ से रवाना हो गए थे। तो हो सकता है गोटाबाया वापस से देश में आने की कोशिश करें या बाहर से ही अपने इस्तीफे की पेशकश कर दें, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार लोगों का गुस्सा जो है राजपक्षे परिवार के लिए वो बढ़ता गया। गोटाबाया को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के लिए लोगों ने कई दिनों तक संघर्ष किया, एक पूरा आंदोलन चलाया और जब तक बात नहीं मानी उसके बाद हालात, जहां प्रियांक खड़े हैं आप देख सकते हैं कैसे बिल्कुल जनता सड़कों पर उतरी हुई है। प्रियांक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।